वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ अप्रिल इन हिंदी एंड इंग्लिश वीडियो बाइलिंगवल रहेगा क्वेश्चन इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो आज पहली बार विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में आप तक पहुँच जाते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन सो उनके भी अपने आंसर्स करने सो so शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो सो सबसे पहला क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन विच डे नेशनल पंचायती राज डे इज़ ऑब्जर्व इन इंडिया कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट डे अब इसके बारे में जो हिस्ट्री है सिंस टू थाउजेंड टेन यानी कि दो हज़ार दस के बाद इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ओके इसकी हिस्ट्री एक्चुअली सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट पास हुआ था नाइन्टीन हंड्रेड नाइनटी टू में एंड इट इज ऑफिशियली केम टू एक्जिस्टेंस ईयर लेटर ऑन ट्वेंटी फोर अप्रैल नाइन्टीन हंड्रेड नाइन्टी थ्री सो so, इस चीज़ को मार्क किया जाता है अभी क्या चीज़ है क्या अमेंडमेंट हुआ था सारी डिटेल आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ ओके देखो इन द ईयर 1957 एक कमेटी बनाई गई थी लाइक like, uh, जो फोकस कर रही थी ऑन द एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया तो वो ये इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था एंड इस कमेटी को जो हेड कर रहे थे वो थे बलवंत राय मेहता तो ये पहले तो सबसे पहले याद रख लो बलवंत राय मेहता का नाम जो चेयरमैन थे एक्चुअली वो क्या चाहते थे कि वो डिस्रलाइज करना चाहते थे पंचायती राज सिस्टम को लाइक like वो चाहते थे कि तीन पार्ट्स में डिवाइड हो ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल पे काम करे पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिली लाइक जिला परिषद एक्चुअली क्या होता था कि अब ये पावर्स अगर सीएम लेवल तक थी स्टेट लेवल तक थी तो वो ग्राउंड लेवल पे काम करना जो एक्चुअल वर्क काम होना चाहिए गाँव में वो पॉसिबल नहीं था सो so, इस वजह से ये बलवंत राय लाइक जो कमेटी बनाई गई थी वो चाहते थे कि इनको लाइक like, डिवाइड किया जाए ताकि ब्लॉक लेवल तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक विलेज लेवल तक एक्चुअल का जो काम है वो पहुँचे ओके एंड इसे फाइनली जब ये अमेंडमेंट हुआ लाइक like, इनको बाइक कर दिया गया पावर्स डिवाइड कर दी गई सो इन द ईयर लाइक 1993 हंड्रेड नाइन्टी सो वो अमेंडमेंट हुआ था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ओके आई होप क्लियर है एंड इसके साथ जो मिनिस्टर हैं हमारे पंचायती राज के वह नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं ओके सो इसके बाद ये डिवाइड हो गया एंड ब्लॉक लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर्स दे दी गई एंड जो एक्चुअल वर्क है वो विलेज लेवल एंड ब्लॉक लेवल पर होना शुरू हो गया ओके okay? सो so ये हिस्ट्री एंड इसके साथ एक चीज़ और याद रखना इन द ईयर 1959 राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट वेयर इन पंचायती राज सिस्टम वाज एग्जीक्यूटेड सो so ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना एंड कमेटी जो बलवंत राय मेहता थे इनकी कमेटी थी लेकिन इनकी चेयरमैन यही थे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एंड इसकी फॉर्मेशन 1957 में हुई थी दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो द सेकंड क्वेश्चन इज द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट नाइनटीन एटीन इन विच केसेस ऑफ अटैक लाइक यानी कि कोई भी के अटैक होते हैं हेल्थ वर्कर्स पे सो so इसमें पूछ रहा है कि उसका इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम पीरियड में कवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. वेल well, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया बस अब ये पास होना बाकी है ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 30 डेज मतलब अगर कुछ ऐसी केस होता है तो 30 दिन में उस पर पूरा लाइक वो इन्वेस्टिगेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी अब इसके बारे में पूरा डिटेल सुनो ध्यान से uh, आप नोट no डाउन कर लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा ओके okay, इसके तहत जो पुनिशमेंट हैं वो भी डिवाइड की गई हैं अगर कोई हेल्थ वर्कर पे कोई अटैक करता है अगर उसको कोई लाइक माइनर इंजरी आती है ओके स्मॉल इंजरी होती है सो so उस पर लाइक like उसको जो लाइक like फाइन किया जाएगा उसको पचास हज़ार से लेकर दो लाख तक फाइन हो सकता है इन केस ऑफ लाइक माइनर इंजरी एंड उसमें उसको जेल हो सकती है तीन महीने से लेकर पाँच साल तक ये छोटी लाइक छोटी मोटी अगर इंजरी हो जाती है हेल्थ वर्कर को अगर उन पर कोई अटैक होता है इन केस ऑफ कोई मेजर इंजरी अगर उसकी काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है हेल्थ वर्कर पे कोई अटैक करता है सो एट डैट केस जो फाइन होगा वो एक लाख से लेकर पाँच लाख तक फाइन हो सकता है ओके okay? एंड अगर जेल की बात की जाए उसको छः महीने से लेकर सात साल तक जेल हो सकती है जिसने भी वो अटैक किया होगा आई होप क्लियर है वीडियो को बैक करके आप फिर से सुन सकते ओके एंड कोर्ट ने भी जो ये सारा मामला है पूरा ये नहीं कि लटक जाएगा मामला जैसे आपने अभी रिसेंटली कितने केसेस देखें जो सात सात साल तक केसेस कोर्ट में चलते रहे मैक्सिमम एक साल से ज़्यादा नहीं जा सकता मतलब एक साल के अंडर अंडर वर्डिक्ट आना जरूरी है ही है फैसला आ जाएगा एक साल लाइक इसकी मैक्सिमम लिमिट सेट गई है इससे अब वो नहीं जा सकता एक साल के अंदर सारा मामला हो जाएगा यानी कि फैसला सुना दिया जाएगा ओके आई होप क्लियर है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी थर्टी डेज ओके सो थर्ड क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पी वी सिंधु हैज़ बीन सेलेक्टेड वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कैंपेन आई एम बैडमिंटन कैंपेन जो अवेयरनेस कैंपेन है लाइक इसमें गिव्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द दोज प्लेयर हु एक्सप्रेस देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर बैडमिंटन एंड आर कमिटेड टू क्लीन प्ले तो क्लीन प्ले ओके काफ़ी ज़्यादा मतलब आठ दस बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर आप पी वी सिंधु का नाम याद रखो ये इंपॉर्टेंट ओके okay. बाकी अगर पी सिंधु के रिलेटेड जो अभी न्यूज़ में इनकी एक बुक थी जो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी सिंधु वी कृष्णा स्वामी उस लाइक उस बुक के ऑथर हैं वो आपको याद रखना है लेकिन एम्बेसडर भी बनाया गया आंध्र प्रदेश करप्शन ब्यूरो का करप्शन डिपार्टमेंट का वो आपको याद रखना है भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव है जो दीपिका पादुकोन एंड इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पीवी सिंधु का ओके okay. वर्डमिंटन लाइक वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीतने वाली फ़र्स्ट वूमेन बनी थी कंट्री की हमारी इन द ईयर टू वो आपको याद रखना है वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है, हैं पी सिंधु वो पॉइंट आपको याद रखना है तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखनी है ओके सो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इसके हेड क्वार्टर्स कोलालमपुर में एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं पोल इरिक होयर लार्सन ओके okay? तो याद रखिएगा <coughs> ओके okay, आज अगर पहली बार विजिट करे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए एंड uh, इसको अपने शेयर करना है ओके एंड अगर आज पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड uh, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है आपने ओके okay? इतना आपने जरूर करना है एंड uh, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो मुझे कोई भी क्वारी रहेगी रिलेटेड रहे टू तो करंट अफेयर दिस इज़ माई यूज़र आई डी एंड सब्सक्राइब नाउ अगर अभी तक नहीं किया तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज गिवन अप्रूवल ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ सुजालम सुफालम जल संचय अभियान वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है एक प्रोग्राम है जो तीसरा एडिशन इसको अप्रूवल दे दिया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ओके सो गुजरात इज़ अगर एक आंसर। 2018 में शुरू हुआ था एंड ये थर्ड लाइक like, uh, थर्ड एडिशन को इसको अप्रूवल दे दिया थ्रू द लाइक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने गुजरात ने अभी टेजर गन्स लॉन्च की थी फर्स्ट इंडियन पुलिस लाइक जिसने टेजर गन्स लॉन्च किए हैं विजय रूपानी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सी एम हैं आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क गुजरात में है गिर नेशनल पार्क गुजरात में एंड कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात में ओके तो ये बेसिक डिटेल्स आपको याद रखनी अभी प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित किया था टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को यानी कि पुलिस ऑफ गुजरात को तो वो पॉइंट आप याद रखेगा सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली द ऑफ कॉरपोरेच इंडियन सिटी हैज़ लॉन्च सयम ऐप टू ट्रैक द होम क्वारंटीन कौन सी मुंसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सयम ऐप लॉन्च की गई सो द करेक्ट आंसर इज पुणे ओके पुणे मुंसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सयम ऐप टू ट्रैक द होम क्वारंटीन याद रखेगा सेम मीन्स पेशेंस इन इंग्लिश ओके फेसबुक एक्वायर्स नाइन पॉइंट नाइन परसेंट स्टेक इन रिलायंस जियो फॉर आर एस 5.7 बिलियन ओके अगर इसको हम इन लाइक अपने देसी लाइक देसी इन दे सेंस कि इंडियन रुपीस में अगर हम करें कन्वर्ट सो तो ये हो जाएगा डी 43,574 करोड़ में तो फेसबुक ने लाइक इतना स्टेक अपना लाइक अपनी हिस्सेदारी ली इसमें तो इतने परसेंट स्टेक इन रिलायंस जियो फेसबुक ने खरीद लिया ओके okay, तो याद रखिएगा फेसबुक के जो सी हैं मार्क जुकरबर्ग आप जानते ही उन्हें ओके मुकेश अंबानी तो आप जानती ही हो बाकी इसके रिलेटेड इसमें आपको लाइक स्टेक से मुझे जो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ अभी जो याद आ रहा है चाइना सेंट्रल बैंक ने एच में वन पॉइंट ज़ीरो वन परसेंट स्टेक ख़रीदा था वो आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद एच ट्रस्टी कंपनी ने ठीक है एच ट्रस्टी कंपनी ने भी स्पाइस जेट में अराउंड फाइव स्टेक ख़रीदा था तो वो आप याद रखिएगा वो दो क्वेश्चन याद रखेंगे एंड फेसबुक ने एक्वायर किए लाइक स्टेक खरीदा इन रिलायंस जियो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विज दे वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपी राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ओके सो द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी थर्ड अप्रैल ओके परसों के दिन से ऑब्जर्व किया गया एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाय यूनेस्को इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव ऑथर्स राइटर्स को लाइक like, uh, उनको सम्मानित करने के लिए द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व दिस डे इज़ डैट ओके बाकी हैश टैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन भी लॉन्च किया गया द मिनिस्ट्री ऑफ़ एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट हमारी कंट्री में वो आपको याद रखना है रमेश निशा रमेश पोखरियाल निशांक जो मनिस्टर हैं वो आप याद रख लीजिएगा एंड ट्वेंटी थर्ड अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके एंड हाँ एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता था लेकिन हर साल इसको लाइक एक आप कहते हैं ना जिसके लिए कंट्री सिलेक्ट किया जाता है सो so, इस बारी जो इसकी थीम कंट्री जो सिलेक्ट की गई है वो कोलालंपुर मलेशिया वो आपको याद रखना है ठीक है जो मेन कंट्री सिलेक्ट की गई है वो याद रखना लाइक फॉर वर्ल्ड बुक डे वो याद रखना ओके कोलालंपुर मलेशिया ओके विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टू स्टडी ऑन द सेफ्टी ऑफ प्लाज्मा थेरेपी टू लिमिट करोना वायरस एसोसिएटेड कम्प्लिकेशन इन द पेशेंट यू नो प्लाज्मा थेरेपी पर भी थेरेपी पर भी काम चल रहा है एंड प्लाज्मा थेरेपी की हेल्प से क्या होगा कि जो पेशेंट रिकवर हो चुके उनका ब्लड लिया जाएगा उनके ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बन गई होंगी टू फाइट विथ करोना वायरस सो उनको यूज़ करके इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है ओके okay? बट ये प्रोसेस इट्स नॉट सो ईजी इसकी भी कुछ डिलिमिटेशन हो सकती हैं सो so, इसी चीज़ पर एक पूरा रिसर्च किया जा रहा है सो so, कौन सा हॉस्पिटल इस पर रिसर्च कर रहा है ओके okay? लाइक like, इसके साथ मेमोरेंडम ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिल गए, सो करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल ओके, तो याद रखना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ओके न्यू दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल पर इस पर रिसर्च चल रही है okay. so एंड इनिशियेटिव सर्व द सीनियर सो सर्व द सीनियर एक इनिशियेटिव लाइक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया 941922300, फोर वन सो दिस इज अ इनिशियेटिव सर्व द सीनियर लाइक जो भी सीनियर सिटीजन हैं जो भी अब उनको भी कुछ सर्विसेज़ अगर चाहिए होंगी तो वो कैसे ले पाएंगे अगर उनके घर में कोई और नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए सो विद हेल्प ऑफ दिस फोन नंबर यू कैन कॉल एंड कोई भी आपके रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ में है जानकार तो आप उनको यह नंबर शेयर कर सकते हो सो दिस इज़ अ इनिशिएटिव द यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर ओके okay. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद इफेक्ट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट अक्टूबर बना जस्टिस रजनीश ओसवाल वो आप याद रख लीजिएगा फर्स्ट जज बने जिन्होंने शपथ ली अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके okay. तो अभी तक फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर आप जानते हो गिरीश चंद्र मुर्मू लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर ओके okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी सी एस बी एन सी एस टू पावर इज़राइल फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक सो टी सी एस बी एन सी एस एक यूनिवर्सल फाइनेंस फाइनेंशियल सोल्यूशन है जो इज डिज़ाइन टू हेल्प फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन सो ये काम क्या करेगा लाइक एक डिजिटल बैंक बनेगा लाइक डिजिटल बैंक होगा इसराइल को इसराइल का होगा तो उसे ये विद हेल्प ऑफ दिस टी सी एस इसे लॉन्च किया जाएगा इंडिया में ओके okay, इसका नाम ऑफिशियली क्या होगा ये अभी बताया नहीं गया सो इट विल बी ऑफिशियली अनाउंस्ड एंड ये 2021 तक इसे लॉन्च किया जाएगा जो इसराइल फ़र्स्ट डिजिटल बैंक होगा जिसे पावर देगा लाइक जो जिसके अंडर होगा जिसको लाइक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हमारा टी सी एस ओके तो याद रखना एंड अभी फ़िलहाल तो ये याद रखो इसराइल डिजिटल बैंक होगा जिसे पावर करेगा लाइक टी सी एस बी एन सी एस ओके जिसके हेड क्वार्टर्स लाइक हमारे टी सी एस कंपनी के हेड क्वार्टर्स काम है मुंबई में ओके एंड अबाउट द कंट्री इज़राइल के बारे में जैरूसलम कैपिटल है एंड मुंबई जैरूसलम फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी ओके okay. तो वो फर्स्ट टाइम हुआ था वो मुंबई में हुआ था मुंबई जैरूसलम फेस्टिवल वो याद रखना करेंसी इज़राइल न्यू शिकल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नित्यनाहू जो अभी फिर से रिलेक्ट हुए थे ओके एंड नटराजन चंद्रशेखरन इज़ अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ टाटा सन्स एंड इनकी एक बुक भी है मैंने आपको बताया था Uh, आप वो मुझे कमेंट करके बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है वो आप मुझे बताएंगे ओके okay? सो so, याद रखिएगा ऑन विच डे नेशनल लाइक यू एन इंग्लिश लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व यू एन इंग्लिश लैंग्वेज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है ये आपको बताना ये भी इंपॉर्टेंट है सो so, ये की जाती है जी ट्वेंटी थर्ड अप्रैल ओके 2010 के बाद 2010 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था इसे ऑब्जर्व करने का सो so, इसके इंपॉर्टेंस यू एन इंग्लिश लैंग्वेज डे व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड अप्रैल ओके अब आपको यू एन चाइनीज लैंग्वेज डे भी याद आ रहा होगा एग्जैक्टली exactly. वो भी दो हज़ार दस में ही पास हुई थी रेजोल्यूशन पास हुआ था बाई यू एन सो वो भी वो होती है ट्वेंटी थ अप्रैल को बीस अप्रैल को तो वो आप याद रख लीजिएगा सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है चाइनीज़ उसके बाद इंग्लिश बोली जाती है एंड तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी बोली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस इंडिया एक्सपोर्टेड अराउंड ट्वेंटी थर्ड टन ऑफ मेडिसन लाइक टू नेपाल इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है तो आपको ये बताना है कि इंडियाज़ एम्बेसिडी टू नेपाल कौन है प्रजेंटली ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी सो so, इनका नाम है जी विनय मोहन कात्रा अभी कुछ टाइम पहले ही बने थे इंडियाज़ एम्बेसिडी टू नेपाल बाकी अजय भी सारिया जानते हो आप कैनेडा इंडियाज हाई कमिश्नर टू कैनेडा गोपाल बागली इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू श्रीलंका तरनजीत सिंह सिंधु इंडियाज़ एम्बेसडी टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके तो विनय मोहन कात्रा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेपाल की कैपिटल काठमांडू ये आपको पता है ओके सो रिसेंटली साउथ कोरियन फिल्म फर्म स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ कोविड नाइन्टीन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स इन इंडियन सब्सिडेरी तो कौन सी जगह लाइक साउथ कोरियन फर्म है जो काम कर रही है इसको बनाने के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स बनाया जा रही है हमारे इंडिया में ही इंडिया की सब्सिडेरी ब्रांच में सो so, कौन सी जगह है जी ये बन रहा है जी गुड़गांव में ओके तो याद रखेगा एंड uh, इसमें बाकी जो चीज़ें आपको साउथ कोरिया के अभी न्यू वो बने क्या बोलते हैं उनको प्रेजिडेंट बने मोन जेइंग वो आपको याद रखना है सियोल इज द कैपिटल ओके साउथ कोरियन वन इज द करेंसी सो गुरुग्राम गुड़गांव जो नाम चेंज हो गया याद रखना ओके सो डेट्स ऑल नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए द फॉलोइंग कंट्री लीगलाइज कैन ऑट बीज फार्मिंग फॉर मेडिकल परपजिस सो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे एंड विद दिस इसके बाद आपने मुझे बताने हैं ये क्वेश्चन ओके सो मैं आप सो यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज़ इसके आंसर्स बताए कीजिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पहले खुद बताओ एंड उसके बाद आंसर्स भी मैं सेम इसी वीडियो में शेयर करूंगा लाइक like, uh, आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स दे सकते हो रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन बिजनेस मैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद उगांडा हाईस्ट सिविलियन अवार्ड सो इसका आंसर बताइए किसे सम्मानित किया गया एंड सेकेंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना विद स्टेट सी एम वॉज हैज़ बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स इसका आंसर आपने मुझे बताना है एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वू हेज़ बिन कन्फर्ड विद स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वो अपने मुझे बताना ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया स्टेट भी बतानी है आपने इनकी एंड हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद सर्ब लाइक वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड तो किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब की फुल फॉर्म ओके एंड उसके साथ एंड द लास्ट क्वेश्चन रिसेंटली दो जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए गए ऑफ लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैंस ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड तो किसे सम्मानित किया गया दो प्लेयर्स हैं भी दे दी तो इन दोनों के नाम मुझे पता ओके सो डेट्स ऑल आपको ये बताने answers and I hope आप आंसर्स एंड आई होप आप लोगों ने पहले खुद आंसर्स किए होंगे कोशिश की होगी बताने की नाउ द आंसर्स ओके तो ये आपके लिए आ गए आंसर्स आप इन्हें चेक कर सकते हो एंड चेक कीजिए आपने कितने लोग कितने क्वेश्चन ठीक किए खुद से सो डेट्स ऑल उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं हमारे एंड सपोर्ट ज़रूर करते रहिए एंड इसको शेयर करते रहिए इतना आपने करना है हमारे लिए इसको शेयर करना है जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है उनको बोलना है कि इसको सब्सक्राइब करो ओके सो थैंक यू मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक टेक केयर बी सेफ बी अलर्ट थैंक यू